दूसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ आया रोहित का खतरनाक तूफान। अर्शदीप की गेंदबाजी में बर्बाद हुई अफ्रीकी टीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारत और अफ्रीका टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज बरसवारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अर्शदीप के कहर में अफ्रीकी टीम को पहले कम स्कोर पर रोक दिया और उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पूरी तरह से रौंद कर रख दिया। दोस्तों, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत और अफ्रीका टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया था। वही दोस्तों, आज के इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद अफ्रीकी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 150 रन ही बना पाई। अफ्रीकी टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 80 रनों की पारी खेली, तो कप्तान टेम्बा बाउमा ने 15 रनों की पारी खेली, तो वही डेविड मिलर ने 38 रन बनाए। इनके अलावा बाकी के कोई भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों, अर्शदीप सिंह का जादू इस मुकाबले में भी सर चढ़ कर बोला। अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में 4 अफ्रीकी बल्लेबाजों का शिकार किया, तो वही दीपक चाहर को 2, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों, भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवर में 150 रन बनाने थे। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में लोकेश राहुल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने आए। राहुल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित का बल्ला आज आग उगल रहा था। दूसरी तरफ कोहली भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। तब रोहित को साथ मिला सूर्यकुमार यादव का और ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफ्रीका टीम की दे दनादन धुनाई करते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 82 रनों की पारी खेली, तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 45 रनों की पारी खेल दी। बाकी दोस्तों बता दें, भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले से पहले खेला गया ठीक यह एक इंटर स्क्वाड यानी एक प्रैक्टिस मैच था, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल करके अफ्रीकी टीम को बता दिया है कि इस बार सीरीज भारतीय टीम की होगी। वही दोस्तों, आपको बता दें, भारत और अफ्रीका टीम के बीच दूसरा टी20 मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये यहाँ होने वाला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच होगा, लेकिन इससे पहले हुए 2 मैचों में 1 का नतीजा आया, जबकि दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इस ग्राउंड पर एकमात्र वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला खूब गर्जा था। दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए थे। 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में रोहित शर्मा ने 152 रन बनाए थे, तो विराट कोहली ने नाबाद 140 रन बनाए थे। भारत ने ये मैच 8 विकेट से जीता था। पिछला रिकॉर्ड देखकर समझ सकते हो कि यहाँ लक्ष्य का पीछा करना ही अच्छा रहेगा। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होगी। पिच की बात करें तो गेंदबाजों को मदद मिले इसकी गुंजाइश कम है। वैसे भी पिछले कई मैचों में देखा गया है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी ही चुनता है और ऐसा करने वाली टीम ही अधिक मैच जीत रही है। यहाँ की पिच की बात करें तो पहली पारी में 160-170 रन एवरेज है, लेकिन 180-190 का स्कोर खड़ा करके सामने वाली टीम को मुश्किल चैलेंज दिया जा सकता है और उसके कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना।